यदि सी आईब्रो को आठ स्टेप में बनाना हो तो आप ऐसे करके बना सकते हैं, यानी कि यहाँ से स्ट्रेच करवा सकते हैं। अब देखिए मैं स्ट्रेच करवा रही हूँ, ऐसे ये राउंड हो जाएगा, यहाँ से मैं स्ट्रेच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कायकर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ डे एट को, और आज मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताने वाली हूँ, और सबसे ज्यादा मैं डिस्कशन करने वाली हूँ आपके क्वेश्चंस पे। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई देने वाली हूँ, बहुत सारे पे डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि कमेंट के जरिए आप लोग के प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं चलिए सब पे डिस्कस भी करने वाली हूँ, और कुछ का मैं प्रैक्टिकली भी सॉल्व करने वाली हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ राउंड आईब्रो थ्रेडिंग। तो राउंड आईब्रो थ्रेडिंग में एक अलग तरह का थ्रेडिंग होता है, जिसको कि बनाना कभी कभी टफ होता है, इसके लिए टफ होता है क्योंकि इस आपका जो आर्सेप होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और राउंड जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ वीडियो की तरफ कि किस तरीके से आपको राउंड शेप का आईब्रो बनाना है। तो देखिए आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ राउंड आईब्रो। तो अब देख सकते हैं कि इनका जो शेप है लगभग राउंड है, तो आपको धागा कैसे रखना है, कुछ लोगों का है कि धागा कैसे रखना है बताइए। तो ये देखिए लूप है, ये गांठ है, अब इसको इस तरह से स्क्रीन पे डालना है, और ये धागे को इसके बाद ऐसे, और इस तरीके से आपको हेयर निकालना है। और जैसे मैं आज से बताती हूँ तो मैं आपको क्या बोलती हूँ, एकदम स्ट्रेट ऐसे ले जाइए, पर इसमें क्या करना है, आपको राउंड शेप है तो राउंड में ऐसे गोल घुमाना है, मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा राउंड आपको जाना है ताकि ये परफेक्ट राउंड आए। तो इनका ग्रोथ भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट मैं आप लोगों को बताने के लिए ही ये वीडियो शूट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि राउंड बनाना कैसे है। तो ये ऐसे इस तरीके से धागे को ऐसे घुमाना है जिस तरीके से मैं घुमाई, तो इस तरीके से ऊपर का शेप हो गया। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ नीचे। तो देखिए अब मैं बता रही हूँ नीचे, तो नीचे वही स्टार्टिंग में तो आपको गार्लैंड बनाना ही होगा, बाद में आपको शेप भी करते जाना होगा। तो ये देखिए मैं यहाँ से बहुत कम हेयर ली हूँ, चूंकि इनका जो आईब्रो का ग्रोथ है बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि दूसरे में है लेकिन इस आईब्रो में नहीं है। तो इस तरीके से मैं थोड़े थोड़े हेयर को लेकर के बना रही हूँ ताकि इनका आईब्रो का परफेक्ट राउंड शेप आ जाए। तो इस तरीके से यहाँ देखिए मैं आ गई बीच में, सेंटर तक आ गई, यानी कि इस आईब्रो के ये बीच तक आ गई, और इसके बाद देखिए एक बार रह गया, इसको कैसे मैं निकाल रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको निकालना है, और राउंड नीचे से भी राउंड ही जाएगा। तो इस तरीके से धागे को घुमाना है, थोड़े से हेयर को निकालना है, रुक जाना है, फिर से धागे को इस तरह से घुमाए, इसमें लेना हेयर और ऐसे स्ट्रेच कर ऐसे निकालने के बाद रुक जाना है। तो इस तरीके से यहाँ का निकल गया, और फिर देखिए फिर नीचे ऐसे मैं घुमाई और इस तरीके से ये निकल गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं राउंड, यदि आपको आईब्रो बनाना है किसी का राउंड आईब्रो तो आप ऐसे कीजिए। साथ में देखिए हमें एक्स्ट्रा हेयर को भी निकाल दी, यहाँ पे जो है ये क्या है, हेयर कम है तो मैं इसी तरीके से यहाँ छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि इनका ये कट मार्क है, कट है ना पहले से, तो सिर्फ यहाँ खींचे स्ट्रेच कीजिए सिर्फ उस हाथ से। हाँ तो स्ट्रेच करवा के ये सेव कर दे रही हूँ, स्टार्टिंग मतलब मैंने ही अच्छे से की थी इसलिए, क्योंकि इनका जो कट मार्क था तो मैं छोड़ दी थी ताकि इनका सेव लास्ट में मैं देख के सही से कर दूँ। तो ये हो गया ही आईब्रो है, तो ये मैं फ्रंट से कर रही हूँ, और इस तरीके से ये सेव कर दे रही हूँ फ्रंट से। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, बस राउंड के ये मैं ये बता रही हूँ कि राउंड में करना कैसे। देखिए अगर आपको आज से बनाना होता है ना, तो ये देखिए ऐसे स्ट्रेट गया, अभी भी गया हुआ है। यदि राउंड है तो इसी को आप थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे, और नीचे की तरफ आप गोलाई की तरफ ऐसे धागे को ऐसे घुमाना है, तो ये आपका राउंड शेप बन जाएगा। यही अंतर होता है राउंड और आर शेप में। तो यह देखिए मैं ये राउंड में कर दी, तो ये देखिए ऊपर से राउंड शेप हो गया। देखिए राउंड में आपको स्ट्रेच कैसे करवाना है, यदि सी आईब्रो को आठ स्टेप में बनाना हो तो आप ऐसे करके बना सकते हैं, यानी कि यहाँ से स्ट्रेच करवा सकते हैं। अब देखिए मैं स्ट्रेच करवा रही हूँ, ऐसे ये राउंड हो जाएगा, यहाँ से मैं स्ट्रेच की तो ये राउंड शेप में आ गया। तो राउंड में ऐसे आपको स्ट्रेचिंग करवाना है, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट की, दो चार हेयर ली, गार्लैंड बन गया, उसके बाद उसी गार्लैंड से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाना है। तो इस तरीके से मैं देखिए यहाँ भी इस तरह से राउंड धागे को राउंड में घुमा ली, और ये एक्स्ट्रा हेयर है जो मैं निकाल रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि दोनों आईब्रो राउंड शेप में आ गया है, बीच में भी जो हेयर है मैं उसे निकाल ले रही हूँ। कहीं कुछ दिख रहा तो बोल, ठीक है ना।
तो आज आप लोग क्या सीखे ये मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि राउंड आईब्रो में और भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे भी आप लोगों को समझा दूंगी। तो एक क्वेश्चन है सरोज ठाकुर का, जिनका क्वेश्चन ये है कि आज सेप में ऊपर में जब सेप करते आईब्रो का तो किस तरह से थ्रेड को रखा जाए। तो चलिए मैं आप लोग आपको ये बता रही हूँ, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रही हूँ, जिन हो सकता है कि सरोज ठाकुर की तरह बहुतों का ये प्रॉब्लम हो तो आप लोग सभी इसको देखिए। मैं वीडियो के हेल्प से आप लोग को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऊपर में आप धागे को कैसे रखेंगे। तो इस तरह से ये जो धागे का गांठ है ये यहाँ पे रखिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से ऐसे आइए पूरा स्ट्रेट, और इसके बाद ये लेफ्ट हैंड का ऐसे प्रेस कीजिए। तो ये देखिए आपका ये जो आएगा ऊपर खसे बहुत ही अच्छे से आएगा। तो इसी तरीके से आपको आसेप में ऊपर में धागे को रखना है। तो आई थिंक आपके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, और वीडियो को पूरा देखिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आज मैं सॉल्व की हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सुस का, जिनका प्रॉब्लम ये है, वो ये जानना चाहती है कि जॉइंट आईब्रो कैसे बनाया जाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आईब्रो थ्रेडिंग पे बहुत सारे वीडियोस को दे चुकी हूँ, तो आईब्रो थ्रेडिंग पार्ट 6 को आप जाइए और चेक कीजिए, वहां पे मैं बताई हूँ कि ज्वाइंट आईब्रो कैसे बनेगा, तो वहां पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन अगर आप फिर से चाहते हैं तो अगर मेरे पास पॉसिबल हुआ, इस तरह के क्लाइंट आए, तो मैं फिर से आपको वीडियो बना करके जरूर अपलोड कर दूंगी, आप उसे चेक कीजिएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जानवी का। जानवी का कहना ये है कि वो मेरे 10 डेज आईब्रो थ्रेडिंग सीरीज को देख रही है और सीख रही है और सीख भी गई है, बट उन्हें डर लगता है कि क्लाइंट का आईब्रो कैसे बनाए, कहीं उन्हें दर्द होगा, सही नहीं बनेगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी प्रॉब्लम है, धागे को कैसे पकड़े, बहुत कुछ है डाउट। तो आपको करना क्या है, आप जो अभी 10 डेज का सीरीज चल रहा है उसमें आप day 1 से लेकर day 8 तक यानी आज तक सारे को चेक कीजिए, बार बार देखिए, समझ में नहीं है तो फिर से भेजिए, और तब फिर कोई उसके बावजूद भी थोड़ा डाउट्स रह जाए आप मुझे DM कीजिए इंस्टा पे, मैं फिर से उससे रिलेटेड वीडियोस बना के जरूर आपके लिए लाऊंगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लवी का, उनका कहना क्या है कि आईब्रो को कैसे बनाया जाए कि पेन ना हो। तो मैं एक डिटेल बनाई हूँ 10 डे आईब्रो थ्रेडिंग सीरीज में, जिसमें कि पेन कम हो, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दी हूँ। शायद आपने ये नहीं देखा है तो जाइए आप उसे चेक कीजिए, day 1 से लेकर day 8 तक आपको ये आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अनुविशी और इका यादव का, वो क्वेश्चन ये है कि आप लोग का प्रॉब्लम है कि लेफ्ट हैंड से आईब्रो कैसे बनाया जाए। कुछ लोग राइट हैंडेड होते हैं बट लुक बनाते हैं लेफ्ट हैंड में, कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड होते ही हैं। तो आपको देखिए कुछ भी नहीं करना है, जो मैं बताती हूँ ना कि लेफ्ट राइट हैंडेड जो होते हैं वो राइट साइड कस्टमर के राइट साइड खड़े होकर काम करते हैं, आपको क्या करना है, आप लेफ्ट हैंडेड है तो कस्टमर के लेफ्ट साइड खड़े होकर काम कीजिए। जैसे राइट हैंडेड क्या करते हैं कि क्लाइंट के लेफ्ट आईब्रो को पीछे से बनाते हैं, तो आपको क्या करना है, राइट आईब्रो को पीछे से बनाना है। मीन्स जस्ट सिमिलर सब कुछ होगा, बस अपोजिट हो जाएगा, जो राइट हैंडेड जहां पे खड़े होते हैं तो आपको उसका अपोजिट हो जाना है, यदि राइट में है तो लेफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट है तो राइट हो जाएगी। बस इस चीज को आप फॉलो करते हैं तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मीन्स राइट हैंडेड लेफ्ट आईब्रो को पीछे से बनाते हैं, तो अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो राइट आईब्रो को पीछे से बनाएंगे, तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। साथ ही इका यादव का क्वेश्चन ये है कि वो लेफ्ट हैंड से लुक को बनाए या राइट हैंड से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जिससे अच्छा लगता है, जिससे आपको सुविधा होता है, जो आपको इजी लगता है वो आप काम करेंगे। तो इस तरह से आज मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप लोगों का सॉल्व की हूँ। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत कुछ मैं आज बताई हूँ, बहुत सारे डिस्कशन मैं की हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को मैं दूर की हूँ। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं, 2 डे और बचा हुआ है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जाइए इंस्टा पे और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, और कोई भी डाउट्स है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि 10 डे सीरीज खत्म होने के बाद आईब्रो थ्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट्स को मैं क्लियर नहीं करने वाली हूँ। तब उसके बाद आप इंस्टा पे DM करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो अभी जाइए और आप जाकर के उस वहां पे अपने डाउट्स को दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट डे आप लोग के डाउट्स को क्लियर करूं। तो थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट डे day 9 में।